सबसे पहले यहाँ से मॉनिटर ऑन करेंगे, उसके बाद ये जो फंक्शन सही है, अलार्म साइलेंस का फंक्शन है, ये अलार्म को पॉज करने का फंक्शन है, ये मॉनिटर को फ्रीज करने के लिए, मतलब जो भी लीड्स वगैरह बन रहा है उसको प्रो फ्रीज करने के लिए, ये NIBP बटन है, यहाँ से आप NIBP स्टार्ट कर सकते हैं। ये प्रिंट, जो प्रिंट का बटन है ये ऑप्शनल है, और ये कोई भी मेनू में आप जाते हैं तो उसके बाद में एग्जिट होने के लिए। यहाँ से आप टच से भी फंक्शन ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ से डेमो की है आपकी 101, देन एंटर, डेमो बोर्ड में ऐसा शो करेगा। यहाँ से आप HR अलार्म ऑन, मतलब अलार्म ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे HR फ्रॉम करके ऑप्शन है, वो भी मतलब अलार्म लेवल, यहाँ से ECG का जो भी हाई लेवल लो लेवल जो भी सिलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। यहाँ से 3 लीड ECG और 5 लीड सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से मल्टी लीड्स में ECG को देखना है तो यहाँ से देख सकते हो, इसमें 7 लीड्स शो करेगा। उसके बाद में जैसे उसको ऑफ करना है तो नॉर्मली कर देते हैं। ये नंबर मोड से ओनली ना, नंबर और ग्राफिकल मतलब ये, और ये नॉर्मली स्क्रीन है। और यहाँ से मॉनिटर को स्टैंड बाय भी यहाँ से टर्न ऑफ कर सकते हो। और ये जो फंक्शंस है वॉल्यूम सब म्यूट करने के लिए है, और ये अलार्म को पॉज करने के लिए है, और यहाँ से भी मेनू आप ओपन कर सकते हो, और यहाँ से भी आप ऐसे फेस, यहाँ से आप इसका जो फेस है वो चेंज कर सकते हो अलग अलग। ये नॉर्मली स्टैंडर्ड स्क्रीन में यूज हो। इवेंट रिव्यू में है, उसमें आप जो रिकॉर्ड किया हुआ डाटा है वो शो कर सकते हो। ये ड्रग कैलकुलेशन में आप ड्रग नेम, अमाउंट उसका जो भी है वो, वेट, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन, डोज, वो सब जो वैल्यू है वो इसमें डाल सकते हैं। फिर इसमें ये जो फंक्शंस है, यहाँ से जो प्रीवियस स्क्रीन है और नेक्स्ट स्क्रीन है, ये जो आपकी थीम है मॉनिटर की वो यहाँ से चेंज हो जाएगी। ये ट्रेंड रिव्यू है, ऑक्सीसीआरजी स्क्रीन है, ये मल्टी लीड ECG स्क्रीन है। जो ये जो फंक्शन है डिफॉल्ट, उससे आप जैसे टच करेंगे तो ये सारा का मॉनिटर का सेटिंग है, सारा का सारा वो डिफॉल्ट एज इट इज हो जाएगा। उसके बाद में ये पेशेंट का इंफॉर्मेशन डालने के लिए, यहाँ से पेशेंट का नंबर, बेड नंबर है, फिर ये मेल फीमेल, पेशेंट टाइप एंड पेसिंग, फिर ये है जो फ्रीज करने के लिए, ये वॉल्यूम के लिए, ये अलार्म सेटअप के लिए। अलार्म सेटअप के लिए आपका जो भी नॉर्मली वैल्यूज रखना है, हाई लिमिट लो लिमिट, वो सब पैरामीटर्स के इसमें से आप ऑन ओपन कर सकते हो। इसमें भी हाई लिमिट लो लिमिट और बीट्स, बीट साउंड, वो सब सेट कर सकते हो। वैसे ही रेस्पिरेशन, टेम्परेचर और NIBP में भी आप सेट कर सकते हो। NIBP के अंदर आप, ये NIBP का ट्रेंड टेबल है, इसमें लास्ट 4 पेशेंट का जो भी ट्रेंड डेटा है वो लास्ट 4 पेशेंट का रीडिंग है यहाँ पे शो करता जाएगा। और इसमें आप मैन्युअली जो इंटरवल है ऑटोमेटिक भी कर सकते हो, यहाँ से 1 मिनट अप टू 60 मिनट, 90 मिनट अप टू 480 मिनट्स तक आप इंटरवल सेट कर सकते हो मैन्युअली। यहाँ से NIBP का भी आप लेवल सेट कर सकते हो, अलार्म लेवल, और इसका जो इंटरवल आपको रखना है तो यहाँ से आप इंटरवल रख सेट कर सकते हो। उसके बाद में ये जो फंक्शंस है ये भी टच ऑपरेटेड है, यहाँ से भी आप NIBP ले सकते हो। ये प्रिंट का ऑप्शनल फंक्शन है, ये ट्रेंड टेबल है, इसमें ये सब ECG का वैल्यू दिखाएगा, हार्ट रेट, PVCs, ST एनालिसिस, ST2 एनालिसिस, फिर ये जो है वो ट्रेंड ग्राफ दिखाएगा, इसमें हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट और टेम्परेचर का ग्राफ है वो। नहीं।
Thank you.